जब कोई निर्देश जारी किए गए हैं तो इन लोगों को नहीं जाना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और मान लो इतना ही अगर धर्म के प्रति या मां के प्रति आस्था है तो इन लोगों को एक अलग से गरबा का आयोजन रखना चाहिए, इससे समाज में संदेश भी अच्छा चला जाएगा। एक आयोजन खुद भी करें, बनाएं, व्यवधान न डालें। पर जी हाँ, ऐसा निर्देश निकला हुआ है स्पष्ट कि आईडी दिखाकर ही उसमें जाया जाए। मुसलमान ना जाए, आईडी बता दो। कमलनाथ जी जो है वो यहाँ बैठेंगे का नाम चला था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कांग्रेस की, अभी फिर से उसका नाम से पीछे आ गया। खुशी जाहिर करी तो पीछे हो गए। मैंने खुशी जाहिर नहीं की थी, मैंने ये कहा था कि कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी चक्की धीरी चलती है पर पीसती बहुत बारीक है, और 10 जनपद में अंदर तक पैठ है, वो राजा को बनने ही नहीं देंगे। मैंने ये कहा था, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि वो दिग्विजय, अब वो एक प्रदेश के अध्यक्ष और उनका सो कॉल्ड छोटा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभव है क्या? वो होने ही नहीं देंगे वो चाल इतने सारे प्रदेशों में एक प्रदेश की, और वो राष्ट्र का अध्यक्ष, इसलिए वो कभी दिग्विजय सिंह जी को नहीं बनने देंगे, और आप परिणाम देखना, वो नहीं बनने देंगे। संशय क्या, मेरे मान्यता तो खरीदा था तभी ये थी कि नहीं भर पाएंगे। उनकी जो मंशा थी कमलनाथ जी की, कल उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा स्पष्ट कह चुके थे, और इसलिए कमलनाथ जी का कोई भी विधायक आपने देखा होगा जो कल विधायक गए हैं फार्म पे दस्तखत करने, कमलनाथ जी के गुट का कोई विधायक नहीं गया। सर, हिंदू विरोधी छवि भी कहीं ना कहीं रही क्या दिग्विजय सिंह जी को बाद में एंड टाइम पे, क्योंकि लाभो लश्कर लेकर तो आप भी पहुंच गए जो उसके बाद एंड टाइम पे मना कर दिया गया, ये कांग्रेस में चल गया अध्यक्ष को लेकर किस तरीके से ले रही थी? अब 3 साल में तो वो अध्यक्ष अपना राष्ट्रीय बना नहीं पाए, अब एक अलग प्रकार का लगातार कॉमेडी सर्कस टाइप का जो चलता है ना, उसमें किसी को कुछ करना ही नहीं है,